वर्धमान महावीर हस्पताल की पीडीए पंजाब ने की अलाटमेंट रद्द, जिस दे चारे पासे पक्षा विवाद। माण हस्पताल के प्रभारी सौरव जैन ने पीडीए पंजाब ते चुके सवाल, आख्या कि 2015 के जब बिल्डिंग तैयार हुई सी उस वेले क्यों नहीं की गई सी इत्थे चैकिंग, उस वेले किस तरह दिती गई सी इस बिल्डिंग के मालक नू एनओसी। तुहानू दस दिए कि पिछले 2015 तो वर्धमान हस्पताल पटियाला दे अर्बन स्टेट विखे स्थित है, जिथे गरीब लोगों की सहायता ते उन्हां दा मुफ्त इलाज भी किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ ही समय तो वर्धमान हस्पताल के घर प्रभारी सौरव जैन की तरफ तो गरीब लोगों के लिए मसीहा बन के उन्हां दा पेट भरन के लिए अते उन्हां दी भुख मिटाउण दे लिए वर्धमान जनहित रसोई खोली गई सी, जिस विच हर व्यक्ति नूं 10 रुपए विच पेट भर खाणा दिता जांदा सी, जिस करके उन्हां नूं लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया सी अते लोग उन्हां नूं पसंद भी करन लग पए सन। लोगों वालों आख्या जा रहा है कि हुण सौरव जैन साढ़े हकों इलैक्शन लड़ना गलों तो परेशान होकर सौरव जैन का आखना है कि पीडीए पंजाब की तरफ तो वर्तमान हस्पताल की अलाटमेंट रद्द की गई है। पटियाला तो कवलजीत कंबोज की रिपोर्ट, लाइव भारत। आज सारे मीडिया वाले भाइयों को जो मैं वर्धमान महावीर हॉस्पिटल बुलाया है, इदा मेन मुद्दा है कि वर्धमान महावीर हॉस्पिटल जो कि 2017 से पटियाला में अर्बन स्टेट में चलाया जा रहा है, और पंजाब भर में जब कोरोना में महामारी आई हुई थी, वर्धमान अस्पताल ने इस पंजाब सरकार की निकम्मी जो सोच थी, जब राजेंद्र अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, इस जिले का पहला अस्पताल था वर्धमान महावीर हॉस्पिटल, जिसने सबसे पहले पटियाला ज़िले में पेशेंट रखे और पटियाला ज़िले के सबसे ज़्यादा पेशेंट वर्धमान महावीर हॉस्पिटल ने इस कोरोना काल में एडमिट किए। जब सरकार की पोल खुल चुकी थी कि जब उनसे सरकारी अस्पताल में इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा था, आज उस वर्धमान अस्पताल के साथ पंजाब सरकार धक्का कर रही है, इसके लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पंजाब धक्का, सर धक्का नहीं, गुंडागर्दी, लूट। वर्धमान महावीर हॉस्पिटल जैसा कि मैंने आपको बताया 2017 से अर्बन स्टेट में चल रहा है, और पंजाब सरकार के अधीन एक संस्था बोलते हैं पुड्डा, पीडीए, जिसके नियमानुसार ये पुड्डा की जगह है, और ये मैंने रीसेल में ये बिल्डिंग पुड्डा की खरीदी हुई है। आज पुड्डा को 4.5 साल के बाद ये संज्ञान में आता है कि यहाँ पे जो ये वर्धमान अस्पताल और साथ में मैंने जो दो बिल्डिंग रेंट पे ली हुई हैं उनकी अलॉटमेंट कैंसिल करी गई है। ये वर्धमान अस्पताल की जो अलॉटमेंट कैंसिल की गई है, ये पूरी फाइल है, ये पुड्डा का लेटर जो मुझे 5 अक्टूबर को मिला है, और 1 महीने का टाइम है, अलॉटमेंट कैंसिल किया गया है बिल्डिंग जब्ती के ऑर्डर। मैं पंजाब सरकार से मीडिया के राही पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने कोई यहाँ पे कोई स्कैंडल किया है, मैंने कोई किडनियाँ बेची है, मैंने कोई किसी पेशेंट के साथ गुनाह किया है, क्यों मेरी अलॉटमेंट कैंसिल की जा रही है? क्या गुनाह है इन दो बिल्डिंग मालिकों का भी कि इनकी बिल्डिंग कैंसिल की गई है? तो इसलिए आज मैंने आप मीडिया के राही गुहार लगाई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब के संज्ञान में भी यह मकसद मैं लाना चाहता हूँ कि आपके सरकार में क्या गुंडागर्दी हो रही है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि लोगों का इलाज करा जाए, आज पंजाब भर में सरकार की फिर से पोल खुली हुई है, डेंगू की महामारी फिर से फैली हुई है, लोगों को इलाज के लिए बिस्तर नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे, और इन्होंने हमें इलाज से वंचित किया हुआ है। थां थां पे इन्होंने हमारे क्या लगा बिल्डिंगों में दीवार लगवाने के लिए, तुड़वाने के लिए हमें नोटिस दे के हमें परेशान करा जा रहा है। दोनों बिल्डिंग मालिकों का हरासमेंट किया जा रहा है कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे बिल्डिंग किराए पर दी है। क्या पुड्डा में और बिल्डिंगें नहीं है? क्या जो अलॉटमेंट कैंसिल करने का इन्होंने लेटर लिखा है कि मैं साथ में 2 बेसमेंट है, 1 बेसमेंट और बिल्डिंग को प्लस कर रहा हूँ, हैं 6-6 फुट के दरवाजे मैंने निकाले हुए हैं। क्या पुड्डा के संज्ञान में पंजाब भर में मोहाली, चंडीगढ़, पटियाला, ठीक है, यहाँ पे और शोरूम्स नहीं है कि जिनमें अस्पताल जैसी लाइफ सेविंग चीज़ ना चल के भी शराब के ठेके, जिम और क्या और चीज़ें चल रही हैं, होटल चल रहे हैं, क्या उनमें बीच में दीवारें हैं? आज पुड्डा मुझे बोलता है कि आपने यहाँ पर जो मेरी बिल्डिंग है उसमें पौड़ी को तोड़ा जाए, बैक साइड में एक यार्ड में पौड़ी बनी हुई है। मैं पुड्डा को कई बार पत्र लिख चुका हूँ कि जो ये पौड़ियाँ बनी हुई हैं, आप लोगों ने 2015 में जब ये बिल्डिंग खरीदी, आपने पिछले बिल्डिंग मालिक को ये एनओसी कैसे दे दी थी? आप बोलते हैं कि बेसमेंट में 16 फुट आगे दीवार लगाई जाए, पीछे दीवार लगाई जाए। मैं पुड्डा से पूछना चाहता हूँ
कि 2015 में जब ये एनओसी दी गई, जब दीवारें उस टाइम क्यों नहीं चेक करी गई, एनओसी कैसे की दी गई, क्या सरकार ने उस टाइम पैसे खाए हुए थे। ये कैंसिल लेटर मुझे 5 अक्टूबर को मिला है, जब से मैं भागदौड़ करके पुड्डा के अफसरों को सरकार के संज्ञान में ला रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट जितना मुझे लग रहा है सिर्फ इसलिए करा जा रहा है कि मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ और सरकार के कुछ नेता, पंजाब सरकार के कुछ नेता मेरे काम से भयभीत होकर मेरा पब्लिक के प्रति प्रेम, उनका प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। 2 महीने पहले आई, इसमें लिखा हुआ है कि आपने बिल्डिंग को प्लज किया हुआ है, आप पीछे सिलेंडर रखने के लिए आयरन ग्रिल यूज कर रहे हैं, आपके बादरे बड़े हुए हैं, आप ऊपर एक आपकी एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हुई है उसको डिमोलिश कर जाए, उसके लिए इन्होंने जो बनती पेनल्टी भी बताई 4 लाख रुपए मैं पहले भर चुका हूँ, उसके बाद बोलते हैं अगर आपने बेसमेंट यूज करनी है 29 लाख रुपए पेनल्टी के भरे, पीछे पौड़ी तोड़ी जाए। उसके मैं पत्र में बार बार इनको देता रहा, विनती भी करता रहा, जो मैं ठीक कर सका ठीक भी करता रहा, मैं इनको विनती करता रहा कि सर कोरोना का टाइम है कि मुझे इसके लिए सुधार के लिए जो भी कोई कारण है, वो बोलते हैं पहले बना बाद में बना वो भी छोड़ दीजिए। मैं पुड्डा से टाइम मांगता रहा लेकिन पुड्डा ने टाइम ना देके, ना हमारी किसी पत्र का कोई प्रॉपर जवाब देके इमीडिएटली अलॉटमेंट कैंसिल करने का ऑर्डर दिया। अब इस अस्पताल को, इस हेल्थ सेंटर को खोलने से पहले 2017 में मैंने पुड्डा से, माननीय पुड्डा से परमिशन भी ली हुई है, ये परमिशन लेटर मेरे पास है जिसमें मैंने हेल्थ सेंटर खोलने की परमिशन ली है। आज पुड्डा मुझे वर्बली बोलती है कि आप यहाँ पे हेल्थ सेंटर ही नहीं खोल सकते। मैंने गुहार लगाई थी कि साहब ये जो पीछे पौड़ियाँ बनी हुई हैं आप इसका बिल्डिंग मटेरियल चेक करवा लीजिए कि ये 2008 की बिल्डिंग बनी हुई है कि क्या पौड़ी का और बिल्डिंग का मटेरियल एक है कि नहीं है, अगर एक है तो आपने एनओसी कैसे दे दी। वो कहते हैं कि अगर वॉयलेशन चलती आ रही है तो ये थोड़ी कभी से चलती देगी, क्या सिर्फ वॉयलेशन मेरे लिए ही है क्योंकि मैं एक हेल्थ सेंटर चला रहा हूँ। जब मैंने वर्धमान जनहित रसोई 26 अप्रैल को खोली उस टाइम भी सेम डे मेरे पे ही क्यों पर्चा करा गया। क्या पंजाब सरकार अगर लोगों को, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को खाना खिला सकती तो मुझे रसोई खोलने की क्या जरूरत थी। जिस दिन मैंने रसोई खोली उस दिन भी मेरे पे पर्चा करा गया, क्या मेरा गुनाह है। सिर्फ मंत्री तो देखिए सरकार के ही लोग हैं, अब सरकार के इशारे पे ही हुआ है ऑर्डर, तो ये तौर पे पुड्डा के उसमें वायलेशन है। लेकिन मेरा वायलेशन आपने की है सर? मैंने नहीं की वायलेशन, पुड्डा ने 2015 में, मैंने जब ये बिल्डिंग खरीदी पुड्डा ने पिछले बिल्डिंग मालिक को पौड़ियों समेत एनओसी कैसे दे दी। पुड्डा कहती है कि 16, देखिए पब्लिक चाहती है, पब्लिक आज मुझे पसंद कर रही है, मैं अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हिस्सा नहीं हूँ, पब्लिक का अभूतपूर्व प्यार मुझे मिल रहा है और पब्लिक का अगर आदेश हुआ तो मैं पटियाला 2 से चुनाव लड़ भी सकता हूँ। उसी को देखते हुए पंजाब सरकार के नेता, क्योंकि पावर इन्हीं के पास है, इनको खतरा हुआ हुआ है। सर नेता या मंत्री, पटियाला 2 का जो नेता है, जो सत्ताधारी काबज है, वही इन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है, तो स्पष्ट कीजिए। ताकत इन्हीं की, इन्हीं लोगों के पास है, पंजाब सरकार के मुखिया यही लोग हैं, इन्हीं के पास ताकत है। मैं यही पूछना आपसे, आज जो मैंने बुलाया है मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ धक्का क्यों किया गया। मैंने आप लोगों से टाइम भी मांगता रहा, मैं जो जो चीजें ठीक आपके उसके अनुसार करता भी रहा कि अलॉटमेंट कैंसिल एकदम से क्यों की गई, चीजें कैसे चल रही हैं। शराब की दुकान चल रही है पुड्डा के अंदर, इसी पटियाला में,
मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पर आपको मिलेगा हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और पुरुषों के गुप्त रोग, बे औलाद, फालतू चर्बी, बढ़ा हुआ पेट, घटाएं, बवासीर, और आपको मिलेगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, दीप कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट दुआबा शोरूम, कोट रोड, अमृतसर, रोजाना मिल 6 बजे तक।